तुम एक काम करो बा, आंटी को फोन कर लो, वो आ जाएगी तुम्हारे पास। उनको फोन करूं? उनको फोन करूंगी ना तो वोल्टा मुझे अपने काम गिनवाने लग जाएंगे। किसी को भी मेरी परवाह नहीं है, मैं जीऊं या मरूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। रिश्मा मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। नेक्स्ट दिखाओ। हाँ ये डबल चेक की है सारी। एक सेकंड। हेलो रिश्मा, उस वक्त तो कुछ पता चला? नहीं यार सर, नहीं पता चला। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें फिर थोड़ी देर में फोन करता हूँ। वो यासिर मुझे आपसे क्या ये किसका? अच्छा ठीक है। हेलो रिश्मा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। मेरी यहाँ पे कितनी तबीयत खराब हो रही है, आपको अपनी मीटिंग की पड़ी हुई है। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं यासिर, मेरा बहुत दिल डूब रहा है। तुमने कुछ खाया? अच्छा कौन देगा मुझे यहाँ खाना, कोई भी नहीं है। और आपको भी अपने ऑफिस की पड़ी हुई है, मेरी कोई परवाह नहीं है। रिश्मा देखो फ्रिज में कुछ पड़ा हुआ होगा ना, कुछ बना के खा लो, हो सकता है तुम्हारा शुगर लेवल डाउन हो रहा हो। मुझे नहीं खाना वो ये सब। तुम एक काम करो बा, आंटी को फोन कर लो, वो आ जाएगी तुम्हारे पास। उनको फोन करूं? उनको फोन करूंगी ना तो वोल्टा मुझे अपने काम गिनवाने लग जाएंगे। किसी को भी मेरी परवाह नहीं है, मैं जीऊं या मरूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। रिश्मा मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ठीक है? प्लीज अपना ख्याल रखो। ना अम्मी आ रही है, ना शोहर आ रहा है, सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। तबीयत भी कैसे होगा ये सब? अब पहले सोचना चाहिए था ना। और बॉस ने जो ईमेल कही है वो याद से तुमने भेजनी है, ठीक है? उनकी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है। जी सर, आप फिक्र ना करें। चलो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। ओके।